फिल्लौर में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के ग्राउंड में खून से लथपथ स्कूल के मालिक की लाश मिली। मृतक, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी, वह सरकारी नौकरी में था। पिछले कई सालों से स्कूल के अंदर स्थायी रूप में रह रहा था। सुबह जब उसकी लाश देखी तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर थाना मुखी फिल्लौर जितेंद्र जीत सिंह ने मौके पर आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। उस वक्त एसएचओ ने बताया कि उक्त माली सुदर्शन यादव शराब पीने का आदि था, शायद कल रात भी शराब पी होगी और गिरने से उसके चोट लग गई, वह उसकी मौत हो गई। हत्या जैसा कोई भी सुराग अभी तक सामने नहीं आया। फिलौर से राजकुमार नंग। माली सुदर्शन जी उम्र कोई 60 साल के करीब है, पक्के तौर पर स्कूल सरकारी स्कूल का माली सी और पक्के तौर पर इतने ही रहता सगा। इहदा एक भरा था होर संतोपरे रहिंदा रक्षा चलाउंदा है, पर इह मैरिड नहीं सगा, बाल बच्चेदार नहीं सगा, इहदे करके कल्ला ही इह स्कूल दे विच ही रहिंदा सी, इत्थे ही सौंदा सगा। जो मौके ते जाके मैं डीएसपी साहब ने देखिया इह शराब पीण दा आदी सगा, ज्यादा शराब पी के रात किते इह मुदड़े नूं डिग पिया ते उहदे च इहदे इहदे नाल मतलब डिगण दे नाल इहदे मूंह दे खब्बे पासे ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ।